हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आने वाले समय में जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो हो उसका जानकारी सबसे पहले आपको लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक देखें तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जो सेमेस्टर वन में ना, सुन लो, सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? रॉयल्टी से। ठीक है, सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? रॉयल्टी से। अब सुनो, रॉयल्टी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले डेफिनेशन याद कर लेना। थ्योरी के लिए बता रहे सबसे पहले कि रॉयल्टी क्या होता है, फिर रॉयल्टी और रेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन भी याद कर लेना रॉयल। ठीक है, उसके बाद रेंट और रॉयल्टी में क्या अंतर, वो भी याद कर लेना। उसके बाद सुन लो यहाँ, इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री। ठीक है, दोनों का बुक में, ठीक है, इन बोथ। अब अकाउंट नहीं आता, लेकिन एंट्री ना हमेशा आता है। ठीक है, जबकि दोनों का बुक में एंट्री भी 16 मार्क्स में आता है। ठीक है ना, अगर दोनों का बुक में एंट्री आएगा ना तो कितना में आएगा? 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। दोनों का बुक में सिर्फ एंट्री लिखना है। उसके बाद देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, शॉर्ट टाइप में क्या देखना। ठीक है, जब हम लोग शॉर्ट टाइप बनाएंगे ना क्वेश्चन, तो इसमें जो हम लोग बनाते थे, जैसे शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, मिनिमम रेंट क्या होता है, ठीक है, ये सब का थ्योरी आता है। और लॉन्ग टाइप में सुन लो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को दो तीन भाग में हम लोग बांट के करेंगे। एक तो तुम लोग का था ना शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, ठीक है ना, एक था ना हम लोग का शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड फर्स्ट फोर ईयर, फर्स्ट फोर ईयर, थ्री ईयर, इस तरह था ना है? और एक था हम लोग का शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड नेक्स्ट ईयर वाला, था कि नहीं था? याद है कि थोड़ा बहुत पहले का ना, नेक्स्ट ईयर था ना, नेक्स्ट टू ईयर, नेक्स्ट थ्री ईयर। तो ये दो तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले रिवीजन करेंगे। ठीक है, जब शुरू करेंगे ना तो देखना, तुम लोग क्वेश्चन नंबर वन या कोई भी बुक होगा ना, क्वेश्चन नंबर वन या एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर कोई बुक जो तुम लोग पास होगा ना, उसमें से देखना, दोनों में ना एंट्री भी किया हुआ रहता है और अकाउंट भी बना हुआ रहता है। ठीक है ना, अब एग्जाम में एक ही चीज आएगा, या तो जर्नल एंट्री या तो अकाउंट। टी हो गया रॉयल्टी। अब आ जाओ किस में, सेम हम लोग का है डिल्यूशन वन, डिल्यूशन, ठीक है, डिल्यूशन वन कितना बार तुम लोग बनाया ना यहाँ पर, ठीक है, डिल्यूशन वन में देखो, डिल्यूशन वन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते, देखता है मेरा लगभग यूट्यूब में देखना वीडियो चल रहा है हाउ टू रिलाइजेशन, 1300-1400 आदमी उसको देख रहा है। ठीक है, नहीं, फॉर्मेट ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लॉन्ग टर्म बनाने के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ठीक है, उसके बाद थ्योरी में हम लोग का कि डिल्यूशन क्या होता है, शॉर्ट में आएगा तो व्हाट इज डिल्यूशन ऑफ फर्म, डिल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, फर्म का डिल्यूशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद इसमें ज़्यादा तो थ्योरी था नहीं, ठीक है, डिल्यूशन क्या होता है, डिल्यूशन कैसे होता है, ये थ्योरी में पढ़ लेंगे। और फॉर्मेट में क्या पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कोई विशेष फॉर्मेट नहीं है, जो हम लोग पहले बनाते थे ना सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा। मेन हम लोग का इसमें क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, मेन क्या है इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद देखो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग क्या बनाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिंपल से शुरू करना। और इसमें एक करंट अकाउंट वाला भी क्वेश्चन है, पार्टनर्स के बाद में बनाएंगे, ठीक है ना, उतना लंबा चौड़ा आता नहीं है। हम लोग पहले सिंपल लगे, रिलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ये जो क्वेश्चन रहेगा ना ये हम लोग बनाएंगे। उसके बाद डिल्यूशन टू में, डिल्यूशन टू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है बताओ, याद है, गार्नर वर्सेस ठीक है, गार्नर वर्सेस मरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी आता है, ठीक है ना, ये वाला थ्योरी भी आता है और हम लोग को जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा। दूसरा सुनो, यहाँ पर तुम लोग को बताए थे कि कैसे पहचानेंगे डिल्यूशन वन का क्वेश्चन कि डिल्यूशन टू का, तो डिल्यूशन टू में इंसॉल्वेंट होगा, इसमें वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है, मतलब वॉलंटरी क्या बोल सकता है, डिल्यूशन अपने मन से इन लोग बंद करता है,
लेकिन इसमें क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो एग्जाम में पहचान देंगे कौन डिल्यूशन वन का है कौन डिल्यूशन टू का है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग गार्नर वर्सेस मरे रूल को याद कर लेना अच्छा से। उसके बाद जब हम लोग बनाएंगे तो दो तरह का क्वेश्चन इसमें रहेगा, एक इंडियन रूल से और एक हम लोग रहेगा गार्नर, ठीक है, एक हम लोग गार्नर वर्सेस मरे रूल, ठीक है। ये तो हम लोग इस तरह का रिविजन इसमें करेंगे, छोटा छोटा कोई पहले क्वेश्चन करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है तो तुम लोग सोचता वही ला एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो मान लो यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारा बच्चा है, बहुत सारा सबका बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बच्चे बनेगा तो सब बोले वही क्वेश्चन आ रहा है। ये हम लोग का क्या हुआ, डिल्यूशन वन टू, वन टू हो, ये वन टू होगा ना, ये डिल्यूशन टू, तो रॉयल्टी डिल्यूशन और डिल्यूशन टू। अब आ जाओ किस में, हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, और देखो 4 नंबर हायर परचेज सिस्टम HP। यस देखो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है थियोरी। थियोरी में मान लो हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है ये हम लोग का, उसके बाद इसका मेरिट और डीमेरिट, ठीक है ना। हायर परचेज सिस्टम का मेरिट और डीमेरिट, हायर परचेज क्या होता है, इसका मेरिट और डीमेरिट। और उसके बाद इसमें भी दो पार्टी होता है, उसका दोनों का बुक में जर्नल एंट्री आता ही है, ठीक है ना। मान लो इसका रॉयल्टी का एंट्री आएगा या तो इसका एंट्री आएगा, नहीं तो हायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का एंट्री, इसमें से एक एंट्री 16 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इन बोथ पार्टी, इसमें भी आएगा जर्नल एंट्री इन। उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप रहेगा, तो इसमें वही चीज है, एग्जाम्पल नंबर वन बनाएगा ना। अगर हम लोग को एंट्री और ये याद करना है तो एग्जाम्पल नंबर वन और या क्वेश्चन नंबर वन, जो कोई भी बुक होगा ना इसमें बना हुआ है इस तरह का, एग्जाम्पल नंबर वन और टू। बाद में इसका हम नंबरिकल करवा देंगे सब, देखो जिसका जिसका मेन मेन नंबरिकल है, जैसे इसका इसका थोड़ा थोड़ा सा याद करवा देंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल वन और क्वेश्चन नंबर वन, इसमें दोनों अकाउंट भी और क्या है थ्योरी के नज़र से सोचेगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हायर परचेज क्या होता है। लेकिन ये जो जनरल एंट्री आता है ना, ये मैंने किसी का अकाउंट नहीं पूछता है, नहीं जनरल एंट्री पूछेगा। उसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट लेसन क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थ्योरी से सोचेगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों को क्वेश्चन तो सेम बनता है, हायर परचेज का भी इसका भी, सिर्फ एंट्री हम लोग का अलग है। तो इसमें भी वही है, सबसे इम्पोर्टेंट IPS मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, और हायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसका मेरिट डेमिट तो अलग मैटर हो गया, लेकिन ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही थ्योरी कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या अंतर है। उसके बाद सुनो, इसमें भी जर्नल एंट्री इन बोथ पार्टी, जब से शुरू से ना थ्योरी में आता ही है, क्या आता है, एक दो या तीन, ये तीनों में से एक का जर्नल एंट्री हमेशा आएगा, तीनों में से ना एक का जर्नल एंट्री क्या होगा, हमेशा आता है, ठीक है, वो भी 16 मार्क्स में। उसके बाद एक लेसन और हम लोग का इम्पोर्टेंट, थोड़ा जो तुम लोग को हार्ड लगता है, वो क्या है, फाइनल अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट। तो इसका ये मत सोचना कि बड़ा है तो नहीं आएगा, नहीं था ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट, ठीक है ना, ट्रेडिंग PL जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े भी थे, सेम क्वेश्चन है जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे ना, फाइनल अकाउंट सेम है। इसमें सुन लो, यहाँ पर इसमें हम लोग क्वेश्चन लॉन्ग टाइप डायरेक्ट तैयारी करेंगे, इसका थ्योरी उतना नहीं आता है, आएगा तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, PL अकाउंट बनाना, सिंपल पहले फॉर्मेट याद करेंगे, जैसे है ना सिंपल एडजस्टमेंट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, जो मेन मेन है ना, वो सब हम लोग इसका तैयारी करेंगे। एक लास्ट हम लोग का बचता है NPO, मतलब देखो हम जैसे जैसे लिख रहे हैं पहले ये सब पर ध्यान देंगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच पर थोड़ा ज़्यादा जोर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब साइड में थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। फाइनल अकाउंट NPO में हम लोग का क्या आ सकता है कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तो जानता है ज़्यादा चांस रहता है ये जीत हम लोग का। इसमें कुछ कुछ टॉपिक जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया है ना, छोटा छोटा टॉपिक क्लियर रहेगा तब इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेगा। तो मैं तो मेरा बोलना क्या है ना, एक दो तीन चार पाँच, पहले हम लोग ये सब 5 लेसन अच्छा से कर लेंगे, उसके बाद छठा ये करेंगे, उसका 7वां ये, ठीक है। तो हम लोग का एग्जाम 8 तारीख को है ना, उससे पहले ये सब कोशिश करेंगे करने का, ठीक है, इसको लिख लो।